प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टडी किया था तो अभी जो नेक्स्ट टर्म है है वो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा इस ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी ये दो टर्म सिमिलर है लीनियर वेलोसिटी होता है लीनियर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होता है सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं बाय द फॉर्मूला डी एस बाई डी टी वे डी एस इज चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंडी होगा डिस्प्लेसमेंट इट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम तो उसी तरह हमको यहां पे एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना है इन सर्कुलर मोशन ना इस टर्म को डिफाइन करने के लिए सपोज एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन कर रहा है और उसका जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉक वाइज एज्यूम किया है लेट ओ बी देंटर फिर इसको मैंने एक्स एक्सिस एज्यूम कर लिया और जब भी हमने पार्टिकल को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया तभी उसका पोजिशन को हमने ए कॉल किया तो एट पॉइंट ए हमारा टाइम का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगा इसका मतलब जब टाइम जीरो सेकेंड था पार्टिकल पॉइंट ए पे था और वहां पे उसका पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर था, फिर एक स्मॉल टाइम के बाद पार्टिकल चला गया ए से बी एंड तभी उसके रेडियस वेक्टर ने एक एंगल कवर किया है उस एंगल को हम लोग कॉल करें थीटा वन सो थीटा वन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल T1. फिर उसके आगे टाइम T2 के बाद पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो कितना हुआ है थीटा 2. सो so, थीटा 2 हम लोग वापस कहाँ से मेजर कर रहे हैं अपना रेफरेंस लाइन जो है वहां से मेजर कर रहे हैं. So, सो थीटा 1 इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम T1 एंड थीटा 2 इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन टाइम T2. तो फिर अगर मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज फाइंड करना है बी से सी फ्रॉम पॉइंट बी टू सी तो फ्रॉम पॉइंट बी टू सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज चेंज कितना हुआ तो वो हम लोग फाइंड करेंगे थीटा टू माइनस थीटा वन तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा होगा थीटा टू माइनस थीटा वन सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट बी टू सी टाइम चेंज कितना हुआ का मतलब टाइम इंटरवल कितना है बी और सी के बीच में तो ये होगा इन दो टाइम का डिफरेंस दी टू माइनस टी वन तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज टू माइनस बी टू सी चेंज इन टाइम कितना हुआ टी टू माइनस टी वन अगर हम लोग ने इन दो वैल्यूज का रेशियो लिया दैट इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम तो जो टर्म फॉर्म होगा दैट टर्म इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी सिंपल लैंग्वेज में एंगुलर वेलोसिटी एक रेट होगा जिस रेट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो वी कैन डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जिस रेट के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा उस रेट को हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट वैसे एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सो वी कैन से ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी बट डी थीटा का फॉर्मूला क्या है थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन डी टी वे टाइम इंटरवल दैट इज टी टू माइनस टी वन So, ये होगा फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। ना एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलॉसिटी एंगुलर वेलॉसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है रेडियन और टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेडियन इज डायमेंशनलेस एंगल का तो डायमेंशन होता नहीं तो रेडियन का डायमेंशन है एम जीरो एल जीरो टी जीरो और जो सेकंड है उसका डायमेंशन क्या होगा टाइम दैट इज टी वन और ये टी वन अगर ऊपर चला गया तो टी माइनस वन देअर फोर डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज टी माइनस वन और इसको लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन

वेलोसिटी का भी होगा तो दोनों दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे तो जैसे मोशन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो बाय राइट हैंड रूल जैसे थीटा अपवर्ड है तो एंगुलर वेलोसिटी भी अपवर्ड होगा एंड अगर मोशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो बाय राइट हैंड रूल जैसे थीटा डनवर्ड है वैसे ओमेगा भी डाउनवर्ड होगा सो थीटा एंड ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों के डायरेक्शन एग्जैक्टली exactly सेम होते हैं ओके, okay, so ये हो गया स्टडी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बाद हम लोग स्टडी करेंगे एंगुलर एक्सलरेशन इसका सिंबल है अल्फा ये टर्म लीनियर मोशन के ए के बराबर होता है सिमिलर होता है तो लीनियर मोशन में एक्सलरेशन ए होता है डीवी बाई डी टी डीवी इज चेंज इन वेलॉसिटी एंड डी टी होगा चेंज इन टाइम सो लीनियर एक्सलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी

चेंज ऑफ एंगुलर वेलॉसिटी सो फॉर्मूला में देखो दोनों के सिमिलर होंगे तो अल्फा होगा डी ओमेगा इज चेंज इन एंगी होगा फॉर एग्जाम्पल इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ओमेगा वन है और यहाँ पे वेलोसिटी बॉडी का ओमेगा टू है तो चेंज कितना हुआ ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एंड टाइम का चेंज कितना टी टू माइनस टी वन सो अल्फा इज ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी टू माइनस

रेडियन इज डायमेंशन लेस और सेकेंड स्क्वायर इज टाइम का मतलब कितना होगा टी टू ऊपर जाएगा तो कितना होगा टी माइनस टू तो डायरेक्शन ऑफ डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सलरेशन इज एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सलरेशन भी मोशन के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा जैसे एंगुलर वेलोसिटी होता है और इसको भी हम लोग फाइन करेंगे राइट हैंड रूल से बट इसमें जो राइट हैंड रूल है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा देखो इन दोनों डायग्राम में मैंने सर्कुलर मोशन को एक ही डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया है इन बोथ द डायग्राम सर्कुलर मोशन इज टेकिंग प्लेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एज पर राइट हैंड रूल एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगा अपर डायरेक्शन तो इन बोथ द डायग्राम एंगुलर वेलॉसिटी इज इन द अपर डायरेक्शन बिकॉज मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज नाउ अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो फर्स्ट डायग्राम में ओमेगा इज इंक्रीजिंग विद टाइम का मतलब यहां पे बॉडी एक्सलरेट हो रहा है और सेकंड डायग्राम में जो है ओमेगा डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ का मतलब यहां पे रिटार्डेशन हो रहा है ओमेगा इंक्रीजिंग इन टाइम का मतलब फैन पहले बंद था और आपने उसका स्विच ऑन कर दिया तो फैन का जो स्पीड होगा धीरे धीरे इंक्रीज होगा एंड ओमेगा डिक्रीजिंग टाइम का एग्जाम्पल क्या होगा अभी फैन जो है वो चल रहा था आपने उसके स्विच को ऑफ कर दिया तो धीरे धीरे उसका स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग तो वेन फैन इज स्विच ऑन ओमेगा इज इंक्रीजिंग एंड वेन रनिंग फैन इज स्विच ऑफ ओमेगा विल डिक्रीज तो यहां पे एक्सलरेशन हो रहा है और यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है अगर एक्सलरेशन हो रहा है तो फिर ओमेगा टू ओमेगा वन से ग्रेटर होगा बिकॉज स्पीड उसका इंक्रीज हो रहा है And यहां पे अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो फाइनल ओमेगा टू इनिशियल ओमेगा वन से कम होगा तो एज पर दिस फॉर्मूला अल्फा पॉजिटिव होगा और यहां पे एज पर दिस फॉर्मूला ओमेगा निगेटिव होगा तो अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो फिर अल्फा एंड ओमेगा के डायरेक्शन सेम होंगे का मतलब इफ एंड अल्फा आर इन द अपोजिट डायरेक्शन तो अल्फा एंड ओमेगा कैन बी इन द सेम डायरेक्शन और दे कैन बी इन द अपोजिट डायरेक्शन अल्फा एंड ओमेगा सेम डायरेक्शन में कम होंगे अगर एक्सलरेशन हो रहा है अल्फा एंड ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में कम होंगे अगर बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है ओके सो वी हैव स्टडीड ऑल द थ्री बेसिक टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देन एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स होंगे सर्कुलर मोशन के उसको स्टडी करेंगे उसमें फर्स्ट टर्म होगा पीरियड ऑफ यूसीएम जिसका सिंबल है कैपिटल टी नाउ व्हाट इज पीरियड ऑफ यूसीएम पीरियड ऑफ यूसीएम होगा एक रिवॉल्यूशन का टाइम का मतलब पार्टिकल को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होगा कॉल्ड पीरियड ऑफ यूसीएम तो पीरियड ऑफ यूसीएम इज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन नो उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसीएम फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम लोग एन भी यूज कर सकते हैं और एफ भी यूज कर सकते द चॉइस इज योर्स व्हाट इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में पार्टिकल ने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए और पीरियड का मतलब एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट किया और फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस परफॉर्म किए तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन वन सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसीएम एस आई सिस्टम में फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करेंगे बाय द यूनिट हर्ट्स, उसका सिंबल होगा एच जेड बट हर्ट्स इज ऑल्सो इक्वेल टू रिवॉल्यूशन पर सेकेंड जिसको लिखा जाएगा आर पी एस के फॉर्म में आर का मतलब रिवॉल्यूशन पी का मतलब पर एंड एस का मतलब सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन होगा एन इक्वल टू वन अपॉन टी का मतलब दे आर रेसीव प्रोकल ऑफ ईच अदर मोर फॉर्मूले सम मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर न्यूमेरिकल्स इन वन रिवॉल्यूशन अगर पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा तो लीनियर डिस्टेंस तो एक रिवॉल्यूशन में लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल ए सरकम दैट इज इक्वल टू बाई r वेयर r इज रेडियस और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा का मतलब एंगल कितना कवर करेगा एक रिवॉल्यूशन में तो एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना कवर होगा

टी सो ओमेगा बट थीटा कितना होगा एक रिवॉल्यूशन में एक रिवॉल्यूशन में थीटा होता है टू पाए और टाइम कितना कैपिटल टी सो ओमेगा इज टू पाए बाय कैपिटल टी दैट इज टू एन बिकॉज वन अपॉन टी क्या है फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों इन फॉर्मूला को ठीक से मेमोराइज करो